जय भीम, जय भारत, जय संविधान। तो जिस तरह से सफाई कर्मचारियों के साथ घटनाएं आजकल बढ़ रही हैं, एक घटना हुई जिसमें एक सफाई कर्मचारी को पीटा गया और सैनिटाइजर करने गया था, सैनिटाइजर ही उसके मुंह में डाल दिया गया और उसकी डेथ हो गई। और कई सफाई कर्मचारियों को पीटने की, एक महिला सफाई कर्मचारी को पीटने की बात आई है, वो माँ है हमारी, हमारे समाज की हैं, तो तकलीफ है। और कई सारे भाइयों को भी पुलिस कर्मी द्वारा पीटा गया। ये आलोचना के मुद्दे हैं, इन पर आलोचना करनी पड़ेगी। और ये ऐसा ना किया जाए, ये भी अपनी जिम्मेदारी अदा कर रहे हैं। और इनकी तनख्वाह में ड्राफ्ट, डॉक्टर की तनख्वाह क्या और पुलिस की तनख्वाह का की आधी तनख्वाह शायद इनको मिलती होगी। इनका भी जीवन है, इनके भी परिवार हैं, इनको भी जीवन जीने का हक है। मैं सरकार से भी निवेदन करूंगा कि कुछ, जैसे खबर आई है कि कुछ जो लोग रखे गए हैं क्वारंटाइन सेंटर में, वहाँ पर भी खाने पीने की समस्या, एक दिल्ली पुलिस के जवान ने कहा, और भी बहुत सारे लोग समस्या है कि वहाँ जो है दवाइयों का और मेडिकल फैसिलिटी का केयर का ध्यान नहीं रखा जा रहा है, तो ये बड़ी समस्या है। तो ऐसा ना किया जाए। दूसरा, उस जवान ने जो कहा वो मुझे बताना पड़ेगा कि 45, उसने कहा कि मेरे परिवार का टेस्ट करा, तो कहा कि 4500 रुपये की व्यवस्था करो एक टेस्ट के लिए। ये महामारी है, इससे आम आदमी को निपटने के लिए, पहले तो रोजगार नहीं है, रोजगार पूरे ठप हो चुके हैं, तो पैसे कहाँ हैं? पीएम केयर फंड में जो पैसा है वो तो मोदी जी के पास है, सरकार वो कहाँ लगाएंगे, विधायक खरीदने में या किसी और काम में, सरकार बनाने में कहाँ लगाएंगे, तो वो जाने। लेकिन सरकार के पास और भी तो सोर्सेज हैं पैसों की, तो वो उसे क्यों नहीं यूज कर रही है? एमरजेंसी के लिए जो आरबीआई के पास पैसा है उसे क्यों नहीं यूज कर रही है? अभी कह रहे हैं गवर्नमेंट कर्मचारियों की तनख्वाह काट ली है, उनके भी तो परिवार हैं, वो कैसे मैनेज करेंगे? तो सरकारी कर्मचारी तो लगातार काम कर रहा है। मैं तो चाहता हूँ सभी सरकारी कर्मचारियों को आप कहिए ना कि वो भी काम पे आए, उनको भी जिम्मेदारी दीजिए, कहीं कहीं उनकी सुरक्षा का भी ध्यान रखते उनको जिम्मेदारी दीजिए, जिससे कि वो हाथ बटाए। अब मैं सरकार से एक सवाल करता हूँ, आप सब लोग भी सुने, सरकार बहुत प्राइवेट करनी पड़ी थी ना सरकार को लगातार, प्राइवेट कौन सा प्राइवेट हॉस्पिटल मदद कर रहा है इस समय भाई? कौन सी प्राइवेट रेलें चल रही हैं? वो रेल चलाते प्राइवेट जो आपने चलाई थी, पूंजीपति भी वो रेल चला के पहुंचा देते, उससे क्यों नहीं पहुंचाया? उसमें तो बहुत सारी सुविधाएं थी। कितनी जगह मैंने देखा बिहार में बच्चे मेंढक खा रहे हैं, झारखंड में लोग सांप काट के खा रहे हैं। और लोकतंत्र है, जैसे मैं पहले भी कई बार बता चुका कि रोटी कपड़ा मकान पे क्या है, सबसे पहले रोटी, फिर कपड़ा, फिर मकान, फिर स्वास्थ्य की सेवाएं, फिर एजुकेशन, फिर रोजगार और फिर सुरक्षा। ये तो गवर्नमेंट देती देती है लोकतंत्र में, लोकतंत्र में ये सातों चीजें देना तो गवर्नमेंट का फर्ज है, लेकिन क्यों नहीं दे रही है? क्योंकि सरकार के एजेंडे में गरीब लोग नहीं है ना, इसलिए नहीं दे रही। अब मैं बात करूं, मैं कहानी सुनाता हूं सब लोग, बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। एक जंगल था, बड़ा जंगल, इसके अर्थ क्या है मैं नहीं बताऊंगा, आप खुद समझदार है समझ लीजिएगा। एक जंगल था और उसमें बहुत तरह तरह के प्राणी रहते थे, मतलब उसमें शेर भी रहता था, उसमें कुत्ता भी रहता था, उसमें बिल्ली भी रहती थी, उसमें नेवला भी रहता था, सांप भी रहता था, उसमें चिड़िया भी रहती थी, हिरन भी रहती थी। एक साधु, एक संत जो है, अब समझ जाइएगा इसका अर्थ क्या है। एक संत चले गए उस जंगल में, और इस जंगल में एक बड़ा बरगद का पेड़ भी था, और वो उसके नीचे चले गए और वहां जाके वो अध्ययन करने लगे। ऊंची पे वो पेड़ था, उसके उसका चबूतरा बना हुआ था, तो संत जो है वहां जाकर बैठ गए और वहां वो जो है जो भी उनका भक्ति का है, जो भी उनका प्रयास था, उसमें वो लीन हो गए। एक दिन जंगल में आग लगी, और जब जंगल में आग लगी तो वो जो एक दूसरे के पूर्ण रूप से विरोधी थे, जैसे सांप और नेवला, हिरण और शेर, या शेर और बकरी, या अन्य कोई और, वो बचने का ठिकाना ढूंढने लगे। और ठिकाना कहाँ मिला? वो बरगद का पेड़ जो बहुत ऊंचे पे था। सब लोग अपनी जान की परवाह करने के लिए, जब उनकी जान पर बात आई तो सारी सिकवे शिकायत भूल कर वो जाकर उस पेड़ पर उन्होंने शरण ली और अपनी जान को बचाया। संत बैठे इस बात को देख रहे थे, उन्होंने इस बात को नोटिस किया
कि जब मुसीबत आती है तो जिन लोगों पे मुसीबत आती है उनको एकजुट हो जाना चाहिए। बाकी आप सब लोग समझदार हैं, सरकार ने क्या हाल बना दिया है वो आप बेहतर जानते हैं, बाकी काम मीडिया कर देता है। अब बात अगर पालघर की करें तो आप समझिए कि वहाँ तो 112 लोगों की लिस्ट है, उसमें कोई मुस्लिम मिला नहीं, वरना तो बाकी तो मीडिया के लोगों ने काम कर ही रखा है अपना। उनका बस चलते तो वो किसी भी जो और लोग पकड़े गए उसको मुस्लिम साबित करते, कुछ पत्रकारों ने तो ये भी कर दिया, गिरी भी पत्रकार, बिके हुए पत्रकारों ने देखिए साहब क्या हाल कर दिया देश का, अफवाहों ने लोगों की जान लेनी स्टार्ट कर दी। मुझे पालघर की घटना पे दुख है, बहुत ज्यादा दुख है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन बहुत दिन पहले से हम लोग चिल्ला रहे थे, पहलू से लेके चिल्ला रहे थे, हम तबरेज से लेके चिल्ला रहे थे, तब लोगों को मजा आ रहा था, तब लोग नहीं समझ रहे थे कि एक इंसान की जीवन कितना कीमती होता, ये किसी को अधिकार नहीं है। तब लोगों को यहाँ मॉब लिंचिंग वर्ड भी समझ नहीं आ रहा था, तब वो कह रहे थे ये वर्ड यहाँ का है ही नहीं, लेकिन अब समझ आया। ये जब आग लगी है ना तो ये समझ आया क्या हुआ, ये सिर्फ मीडिया की बदौलत। आप समझिए कि अगर पहलू खान के समय, अगर तबरेज के समय कानून बना दिए गए होते, मॉब लिंचिंग पर रोक लगाई गई होती, इस पर सख्त से सख्त कानून बनाए गए होते तो आज ये हालात ना बनती। जब इंस्पेक्टर सुबोध कुमार की हत्या के समय ये कानून बना दिए होते तो शायद आज उन संतों की जान ना जाती। भीड़ का कोई रूप नहीं होता है, एक झूठी अफवाह चलती है, कोरी अफवाह, और बहुत बड़े बड़े उसके रूप बन जाते हैं, और ऐसा ही महाराष्ट्र में हुआ। लेकिन ये पहला मामला नहीं है, ऐसे सैकड़ों मामले हो चुके हैं देश के अंदर, और दलितों के साथ तो ये रोज होता है, मुसलमानों के साथ तो ये रोज होता है, ईसाइयों के साथ तो रोज होता है, आदिवासियों के साथ तो ये रोज होता है, और मैं झूठ कह रहा हूं तो आप जान लीजिए। अभी मध्य प्रदेश में बाहर थे दो बच्चे ऐसे ही, और कहीं कि ईसाई धर्म का प्रचार इस नाम पे मार देते हैं, कहीं बौद्ध धर्म का प्रचार कर इस नाम पे मार देते हैं। तो आपको समझना पड़ेगा कि अभी तक तो सिर्फ मुसलमान झेल रहे थे, अब साधु संतों की बात आई तो लोगों को समझना चाहिए कि किस मुसीबत में आप खड़े हो गए, और ये अफवाह कितना बड़ा रोल अदा कर रही है। जान किसी की बजाय, किसी को किसी की जान लेने का अधिकार नहीं है। यही बात हम बहुत दिनों समझा रहे थे कि समझिए एक मानव की जिंदगी बहुत कीमती होती है, तो मानव मूल्यों की कीमत को समझ के निर्णय ले, लेकिन ऐसा नहीं होता है। और रोज हम ऐसी वीडियो देखते तकलीफ होती है। मैं एक और बहुत जरूरी बात आपसे कह दूं, मेरा लाइव आने का उद्देश्य यह था कि देखिए जाति व्यवस्था इस देश में सबसे बड़ा कलंक है, सबसे बड़ा अभिशाप है, सबसे बड़ा अपराध है, और उसकी पुष्टि मैं इस बात से करता हूं कि इस लॉकडाउन में भी जहां लोग अपनी जिंदगी बचाने के लिए घरों में, इतने मामले एट्रोसिटी के हो रहे हैं, इतने मामले एट्रोसिटी के हो रहे हैं, लगातार बहुजनों पे उत्पीड़न हो रहा है, लगातार कई मामले मेरे संज्ञान में है। मैंने कुछ लोगों पे कुछ पे अपनी बात भी रखी, ट्वीट भी किया, मैं आपके सामने रख देता हूं। बाकी तो मिलते रहते हैं मीडिया के माध्यम से, प्रयास भी कर रही है सभी जगह पे, हमारी टीम प्रयास कर रही है। बस मैं अपने साथियों से कहूँगा कि किसी को अगर आपकी कोई धार्मिक भावनाएं भड़काता है तो आप ज़्यादा बहस मत करें, उसको गाली मत दें, तुरंत उसकी FIR करवाएं, उसको सही उसका रास्ता दिखाएं, उसको जेल भेजें, उसको पता लगे कि वहाँ ऐसा अपराध करने पर उसको क्या सजा मिलेगी। लोकतंत्र में ये कानून आपके लिए, इसका प्रयोग करें। जैसे ये कन्नौज का मामला है, एक कक्षा 9 की बच्ची थी हमारे समाज की, और वो उसके साथ रेप किया गया, उसको धमकी दी गई कि अगर आपने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई या घर बताया तो इस आपके पूरे परिवार को मार दिया जाएगा। फिर परिणाम ये हुआ कि उस बच्ची ने सुसाइड कर लिया। एक अभी जल्द ही एक घटना है, ये गौतम बुद्ध नगर की, जो वहाँ के जिलाध्यक्ष ने ट्वीट की है, दयोरार की जो है, वहाँ भूपेंद्र को पीटा गया। मैं नाम नहीं ले रहा हूँ किन जातियों के लोग हैं, शर्म आनी चाहिए सब लोगों को कि ऐसे समय में भी, और सिर्फ आप लोग सेफ इसलिए है ना अपराध करने वाले क्योंकि लॉकडाउन का पालन हम लोग कर रहे हैं। अगर हम लोग लॉकडाउन का पालन ना कर रहे होते ना, क्योंकि हम कानून को संविधान को मानते, तो आप लोग घर नहीं होते अपराध करने के बाद, ये भी आप जान लीजिए। फिर आप
जेल में होते और जेल की सलाखों के पीछे सड़ रहे होते। इस लॉकडाउन का फायदा बहुत ज्यादा उठा रहे हैं आप लोग, ये गलत है, समझिए। मैं फिर कह रहा हूं, ये मेरी चेतावनी भी है और मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि अगर आप ये सोचते हैं कि आप बहुत बलशाली हैं, तो सिर्फ आप इसलिए बचे हुए हैं अभी इस लॉकडाउन के समय में कि हम लोग संविधान का पालन करते हैं, लॉकडाउन की वजह से घर में है, वरना आजाद समाज पार्टी के लोग, भीम आर्मी के लोग कमजोर नहीं है। आपको सजा दिलवाने में बहुत अहम भूमिका अदा करते हैं। एक राजस्थान का मामला है, वहां एक 8 वर्ष से नाबालिग बच्ची से रेप हुआ है। एक बड़ा मामला एम्स का है, वहां एक बहन के साथ जो है जातिगत भेदभाव होता था, उसको टॉर्चर किया जाता, उसका हरेसमेंट किया जाता था। उसने सबको लिखा, महिला आयोग को भी लिखा, एसटीटी आयोग को भी लिखा, एम्स के डायरेक्टर को भी लिखा, सब लोगों को लिखा, किसने कोई मदद नहीं की। फिर उसने सुसाइड अटेम्प्ट किया। अभी वो कुछ दिन पहले आईसीयू में थी, मेरी बात नहीं हो पाई है वहां किससे। एम्स देश का सबसे बड़ा जो है मेडिकल संस्थान है, वहां की घटना बता रहा हूँ, वहां जातिवाद है। एक बड़ा मामला हुआ था बिहार का, इसमें हमने बहुत वो किया लेकिन सरकार ने कोई जवाब नहीं दिया। सिर्फ इस वजह से सेफ हैं बिहार वाले अपराधी क्योंकि लॉकडाउन है। अगर लॉकडाउन ना होता तो मैं खुद मुख्यमंत्री के घर का घेराव करता और उस अपने भाई विक्रम को और संतोष को न्याय दिलाता। किसी भी कीमत पे बख्शे नहीं जाते वो अपराधी, वो जेल में होते, चाहे वो किसी एमपी के खास हो, चाहे वो किसी और के खास हो। अगर लॉकडाउन ना होता, सिर्फ लॉकडाउन की वजह से चुप हैं हम लोग, वरना मैं आज यहाँ ना होकर बिहार में होता और उसके लिए चाहे मुझे जेल जाना पड़ता या कोई भी कुर्बानी देनी पड़ती, लेकिन इसका जवाब वहाँ के मुख्यमंत्री से लिया जाता। संतोष की पीट पीट कर पुलिस द्वारा हत्या की गई, उससे पहले गैर दूसरी जाति में विवाह करने की वजह से विक्रम को पुलिस द्वारा पीट पीट के मारा गया। उसने और ये थाने में कहा गया कि उसने थाने में सुसाइड किया। फिर दूसरी घटना ये है कि उसके आवाज उठाने वाले संतोष को, हमारा छोटा भाई संतोष था, उसको उसको पीटा गया पुलिस द्वारा और फिर उसकी जान चली गई। तो ये बहुत बड़ा मामला है, इस पे मैं बड़ा दुखी हूँ क्योंकि कल संतोष की बारी थी, कल मेरी भी हो सकती है, किसी और की भी हो सकती है, किसी भी और अन्य साथी की हो सकती है। तो एक जोधपुर बावड़ी का मामला था, गुजरात का एक मामला मेरे संज्ञान में आया था, वो एक बड़ा मामला था। तो ऐसे लगातार मामले जो हैं हमारे संज्ञान में आते रहते हैं। एक फरुखाबाद का मामला था, मौर्य समाज के लोगों को, शाक्य समाज के लोगों को जो है उनके साथ मारपीट की गई थी, वो भी हमारे बहुजन समाज के लोग हैं। तो मैं ये बताना चाह रहा था आपको कि इस लॉकडाउन में भी अपराध इस तरह से बढ़ रहा है, तो समझिए कि अपराधी बेखौफ हैं। और सरकार चाहे किसी की हो, चाहे वो राजस्थान में हो रहा हो कांग्रेस की सरकार में, या यूपी में बीजेपी की सरकार में, या बिहार में बीजेपी और नीतीश जी की मिलीजुली सरकार से, लेकिन ऐसे समय में भी अपराध बढ़ रहा है और बहुजन समाज के लोगों को नुकसान पहुंच रहा है, पीटा जा रहा है। लेकिन एक जो इस माहौल है जो है नेटवर्क डिस्टर्ब हो रहा, कभी भी ये खत्म हो सकता है। मैं जो कह रहा था कि इस्लामोफोबिया जो है, जो यहाँ के मीडिया ने कर दिया है यहाँ देश में, इसके परिणाम बड़े दुखदायी होने वाले हैं। जैसा मैंने कहा कि ये समय एकजुट होकर लड़ने का था, कोरोना के खिलाफ, भुखमरी के खिलाफ, अपने देश के लिए, लेकिन फेल सरकार ने सब कुछ डाल दिया मरकज के ऊपर, तबलीग जमात के ऊपर, और कुछ नहीं कर रही है, बिल्कुल नहीं कर रही है। मैंने कहा कि अभी टेस्ट होने दीजिए, पता लगे कोरोना के कितने मामले हैं देश के अंदर। तो सुरक्षित रहिए, अपने घरों पर रहिए, अपने सोशल डिस्टेंस का जो है, डिस्टेंसिंग का प्रयोग कीजिए, थोड़ा दूरी बना के रखिए। कहीं भी अगर ऐसी कोई जानकारी मिले या आपके आसपास कोई ऐसा, तो प्रशासन को सूचना देके उसे क्वारंटाइन कराइए या उसके बारे में जो है उसको इलाज कराने का प्रयास कीजिए, छिपाइएगा नहीं जिससे कोई नुकसान हो। ये आप लोगों की सुरक्षा के लिए, आपकी बेहतराई के लिए। लेकिन जान लीजिए, मुल्क सिर्फ दीवारों का नाम नहीं होता, देश सिर्फ दीवारों का नाम नहीं होता है। कि दीवारों की सीमाओं से दिल जोड़ने से देश बनता है।
जातियों के अलावा यहाँ तो बहुत सारे संप्रदाय के लोग रहते हैं, लेकिन नफरत के बीज जो बोए हैं इससे बड़ा नुकसान। मैं लोगों से कह चुका था कि आप टीवी देखना बंद कर दीजिए अगर इस मुल्क को बचाना चाहते हैं। कुछ लोग समझ में भी आया, कुछ लोग ही नहीं समझ में आया, आप बाकी आप देख रहे हैं। सोई हुई जनता, झूठा राजा, देश के लिए दोनों हानिकारक होते हैं, और बिका हुआ पत्रकार आप बेहतर जानते हैं। बिके हुए पत्रकारों ने अपने मालिकों के एजेंडे को सही साबित करने के लिए, उनके एजेंडे पे काम करने के लिए देश की परवाह नहीं किए। आपको देश की परवाह करनी है। ये मुल्क सबसे बड़ा है, हमारा मुल्क सबसे प्यारा मुल्क है, हमें इसकी सुरक्षा करनी है, अपने लोगों की सुरक्षा करनी है, पूरे देश की सुरक्षा करनी है, सब लोगों को मिलजुल के रहना। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। आप सब लोगों के लिए मंगल कामनाएं। और आज़ाद समाज पार्टी के, भीम आर्मी के जितने भी कार्यकर्ता, जितने पदाधिकारी, जितने भी समर्थक हैं, और वो जहाँ जहाँ पर अभी तक लोगों की मदद कर रहे हैं खाना पहुँचाने में, उनको बहुत बहुत दिल की गहरा धन्यवाद, साधुवाद उनको, शुक्रिया अदा उनका जो हम करते हैं। और कुछ जगह पर तो सरकार ने आज़ाद समाज पार्टी की बढ़ती लोकप्रियता से घबरा कर जो राशन वितरण का काम चल रहा था उसको बंद करा दिया है। इतना डर है सरकार में, सरकार खुद तो नहीं दे रही है, लेकिन अगर दूसरा कोई दे रहा है तो ऐसा ना हो कि सरकार सवाल पूछे, सरकार ने बंद किया। हम सवाल नहीं पूछ रहे हैं, क्योंकि हम तो इस देश में गूंगे बहरे लोग हैं ना। याद रखिए, लॉकडाउन खत्म होने दीजिए, खूब सता लीजिए हमारे लोगों को। अभी तो मैदान में ही नहीं आए ना, जिस दिन मैदान में आएंगे लॉकडाउन खत्म होने के बाद फिर बताएंगे कि देश में विपक्षी क्या।